मैं कमरे की खिड़की ठंडी हवा कमरे में लाती, गर्मी से राहत दिलाती, कमरे को प्रकाशमय बनाती और प्रतिक्षण सुखद मनोरम दृश्य दिखाती। टेक्नोलॉजी ऑफ होम भारत में निर्माण की बेहतरी के लिए शैक्षणिक जगत के साथ साथ उद्योग के प्रतिष्ठित दिग्गजों द्वारा ज्ञान साझा करने का एक स्वतंत्र मंच है। ये JK सीमेंट और एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस पहल में एक आम आदमी की मदद करने के लिए ये सुनिश्चित करेंगे कि वो एक मजबूत सुंदर घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की उपयोगिता और प्रक्रियाओं से पूरी तरह अवगत हो, जिससे उसके घर के निर्माण के लिए धन का उपयोग ठीक से किया जा सके। तो आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर कुशाल मताई से वेंटिलेशन और लाइटिंग के बारे में। नेचुरल लाइटिंग जो है उसको हम डे लाइटिंग कहते हैं। तो जब हम नेचुरल लाइटिंग या डी लाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो हमें जब हम प्लान कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने का या उसके डिज़ाइन कर रहे हैं, जब उसकी ड्राइंग्स बन रही हैं, तब ही प्लान करना होता है। आर्टिफिशियल लाइटिंग हम खुद करते हैं। हमें दोनों ही तरह की लाइटिंग की आवश्यकता होती है एक घर में। एक तरह से काम नहीं चलता, क्योंकि रात का समय भी है और दिन का समय भी है। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखने की है कि डे लाइटिंग जो है उसको आर्टिफिशियल लाइटिंग के ऊपर प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। आर्टिफिशियल लाइटिंग तीन चार तरीके से होनी चाहिए। एक तो हम जिस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, उसके लिए लाइटिंग होनी चाहिए। एक होता है किसी चीज़ पे फोकस करना, उसके लिए लाइटिंग होती है। तीसरा होती है एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग जैसे कि फॉल सीलिंग या फ्लोर या बेड के नीचे या कहीं भी हम करते हैं, उस एम्बिएंट लाइटिंग में हम आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़ जो करते हैं वो इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता। टास्क लाइटिंग वो बहुत स्पेसिफिक होती है। बेडरूम की टास्क लाइटिंग डाइनिंग रूम से कम होगी। और जब हम स्टडी रूम की बात करेंगे तो स्टडी रूम में दोनों ही जगह से उनसे टास्क लाइटिंग ज़्यादा होगी। किचन में अगर खाना बनाना है तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होगी। तो हम इसे मिक्स भी कर सकते हैं, डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइट से मिक्स भी कर सकते हैं। पहाड़ों में जो डिफ्यूज लाइट आती है उसको अंदर लाने के लिए हम खिड़कियों का साइज़ पहाड़ी रीजन में बड़ा करते हैं और लाइट शेल्फ देते हैं या रोशनदान देते हैं, ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके अंदर लंबे स्पेस तक जा सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी छतें जो हैं उनका कलर लाइट हो, क्योंकि लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। वेंटिलेशन का ये मतलब होता है कि आप घर के अंदर जो हवा आ रही है और जो बाहर हवा है उसका मिश्रण करो। तो सबसे पहले हमें नेचुरल वेंटिलेशन पे जाना चाहिए। इसके लिए हमें बेसिक जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे कि दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं और रोशनदान हैं, यही यूज़ होते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो डिज़ाइनिंग का ही होता है, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग का ही होता है। क्रॉस वेंटिलेशन करने के लिए हमें दरवाजे और खिड़कियां जो घर में हैं उनका प्लेसमेंट इस तरीके से करना पड़ता है कि वो न सिर्फ एक दूसरे के आमने सामने हो प्लान में, बल्कि सेक्शन और एलिवेशन जिसे कहते हैं हम, हाइट वाइज भी उनमें वेरिएशन हो। तो जब हमें किसी स्पेस को कूल करना है तब हम स्टैक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें हम एक तरफ से हवा ड्रॉ करते हैं जिसमें नेगेटिव प्रेशर होता है और पॉजिटिव प्रेशर की तरफ उसको निकालते हैं। और इसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन या तो हमें मैकेनिकल मैनर में करना पड़ता है या फिर नेचुरल वे में हो जाता है। अब मैकेनिकल वेंटिलेशन में कैसे आप कर सकते हो, तो पंखे होते हैं, सीलिंग फैंस होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होता है और कूलर होते हैं, एयर कंडीशनर भी है। अब इस ही ऑर्डर में इनमें बिजली की खपत भी होती है। तो ईस्ट और वेस्ट के फसाद या दीवार अगर कही जाए तो उस पर वर्टिकल शेडिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है, और नॉर्थ और साउथ की दीवार या फसाद कह लें उस पर हॉरिजॉन्टल शेडिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है। हॉरिजॉन्टल शेडिंग डिवाइस हम साधारणतः देखते हैं जिसको हम छज्जा कहते हैं। वेंटिलेशन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की ये चीज़ है कि खिड़की और दरवाजे में जाली ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक पल्ला अगर बंद रहे तो दूसरा जाली वाला खुला भी रहे, तो उससे हवा का
क्रॉस वेंटिलेशन जिसको हम बात करते हैं, हवा का सर्कुलेशन होता रहे, यही बात चीज़ें ध्यान रखने की है। प्रोफेसर कुशाल मताई, सहायक प्रोफेसर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली, एक युवा शिक्षाविद हैं जिनकी कौशल और रुचियां वास्तुशिल्प डिजाइन, टिकाऊ डिजाइन, पर्यावरण और उसके प्रभाव मूल्यांकन, रेविट, आंतरिक वास्तुकला आदि में निहित हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ होम, सुदृढ़ सुंदर निर्माण।